अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे हम लोग अपने Redmi K20 Pro में MIUI 11 वाले रोम को इंस्टॉल करेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पर MIUI 11 वाले रोम को अपने फोन में इंस्टॉल कर चुका हूँ। Redmi K20 Pro आपको देखने को मिल जाती है। इसके सारे फीचर दोस्तों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि MIUI 11 हमें किस तरह देखने को मिलती है, क्या इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिली है और क्या हमें MIUI 10 से डिफरेंट इसमें देखने को मिलती है। इसके बारे में दोस्तों मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग मेरी वो वाली वीडियो को देख लेना, मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ MIUI 11 को कैसे हम लोग अपने Redmi K20 Pro में इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमें काफी अच्छी एनिमेशन और लुक हमें देखने को मिल जाती है। दोस्तों काफी खूबसूरत रोम ये मुझे देखने को मिली है। अगर हम लोग UI की बात कर ले दोस्तों, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मैं अपनी UI की बात कर लूँ तो मैं MIUI 8 से लगभग सभी MIUI को यूज कर चुका हूँ और दोस्तों मुझे पर्सनली MIUI 11 काफी पसंद आ रही है और आपको भी दोस्तों पसंद आएगी जब आप इसे यूज करेंगे। काफी दोस्तों इसमें हमें बटरी स्मूथ फीलिंग देखने को मिल रही है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को अपने इस वाले डिवाइस में MIUI 11 रोम को इंस्टॉल करने वाला हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं इसमें MIUI 10 की रोम को यूज कर रहा हूँ, एंड्रॉइड की वाली रोम को यूज कर रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों को सेटिंग में लेकर दिखा देता हूँ तो आप लोगों को Redmi K20 Pro MIUI 10.4.8.0 देखने को मिल जाती है। इंडियन वाला रोम है दोस्तों, मैं इंडियन वाला रोम को इसमें यूज कर रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों मैं इंस्टॉल करके बताने वाला हूँ कैसे हम लोग इसे अपने फोन में MIUI 11 को इंस्टॉल करेंगे। MIUI 11 रोम को दोस्तों इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि हमारे डिवाइस की बूट लोडर अनलॉक होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कैसे बूट लोडर को अनलॉक करते हैं तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो को देख लेना, मैंने इसमें आप लोगों को बताया कैसे अनलॉक करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों मेरे यहाँ पर मी अनलॉक स्टेटस में आपको बूट लोडर अनलॉक दिखती है। अब दोस्तों दूसरा काम है कि हमें अपने फोन में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करनी होगी। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे, उससे हम लोग रोम को फ्लैश करेंगे। तो मैं आप लोगों को फाइल मैनेजर में दिखाता हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को ये वाली फाइल देखने को मिल जाती है। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इस फाइल को डाउनलोड कर लेना। दोस्तों देख सकते हैं ये वाली MIUI मिक्स फाइल 9.9.9 वर्जन 11 देखने को मिल जाती है। याद है दोस्तों MIUI 11 9.9.9 में ही हमें MIUI 11 की अपडेट देखने को मिली थी, Xiaomi उसे गलती से रोल आउट कर दिया था। अगर आप अपने डिवाइस को 9.9.10 या फिर उससे ऊपर में अपडेट करते हैं तो आपकी डिवाइस में MIUI 10 अपडेट हो जाएगी, आपकी डिवाइस MIUI 11 से MIUI 10 में रिप्लेस कर जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को अपने इस वाले डिवाइस में इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूं। तो हम लोग कस्टम रिकवरी बूट करते हैं, तो कस्टम रिकवरी बूट करने के लिए पावर बटन को प्रेस करेंगे, रिबूट करेंगे और इस वॉल्यूम बटन ऊपर वाले बटन को प्रेस करेंगे तब तक जब तक हमारी डिवाइस कस्टम रिकवरी में बूट ना हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कस्टम रिकवरी ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पर बूट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों बूट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग अपने सभी इंपोर्टेंट डाटा का बैकअप बना लें, कि हो सकता है कि आपकी डिवाइस यहाँ पर फॉर्मेट हो जाए या फिर आपको अपने डिवाइस को फॉर्मेट करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिवाइस डिक्रिप्ट है और जब डिक्रिप्ट होगी तो हम लोगों को यहाँ पर अपने डिवाइस को फॉर्मेट डाटा करना होगा। तो फॉर्मेट डाटा करने के लिए मेन्यू में जाएंगे, मैनेज पार्टीशन में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद ओके करेंगे और फॉर्मेट डाटा करके यहाँ पर यस टाइप करके ओके कर देंगे तो हमारी डिवाइस यहाँ पर फॉर्मेट डाटा हो जाएगी। फॉर्मेट डाटा कहने से दोस्तों हमारे सभी डाटा इरेज हो जाएगी, इसलिए बैकअप बना के रखे रहे हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं ये वाली फाइल हमें देखने को मिल जाती है, सिर्फ इसी फाइल को हम लोग अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले काम दोस्तों हम लोग जाएंगे वाइप में और इस पार्टीशन को हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ से वाइप कर देंगे, इंटरनल को नहीं करेंगे क्योंकि इंटरनल में ही हमारी सारी फाइल यहाँ पर सेव है। स्वाइप टू वाइप कर देंगे, होम पे जाएंगे और इस वाले फाइल को हम लोग यहाँ पर स्वाइप टू इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों फाइनली MIUI 11 हमारे Redmi K20 Pro में इंस्टॉल हो चुकी है, देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सिंपली रिबूट टू सिस्टम करेंगे। रिबूट सिस्टम करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सेटिंग की पेज देखने को मिलेगी। सेटिंग के पेज जाने के बाद सेटअप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दोस्तों हमारे डिवाइस में MIUI 11 सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी होगी और उसके सारे फीचर दोस्तों हम लोग अपने फोन में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपने मी अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके लैंग्वेज यहाँ पर सेट कर देता हूँ इंग्लिश। तो हमें यहाँ पर 5 लैंग्वेज देखने को मिलती है चाइनीज रोम में, और मैं अगर आपको बैक करके दिखाता हूँ दोस्तों, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है MIUI 11 की ऑफिशियल लोगो। अब दोस्तों हमें यहाँ पर 2 थीम देखने को मिल जाती है, क्लासिकल और लिमिटलेस। तो क्लासिकल की आइकन पैक मुझे अच्छी लग रही है और लिमिटलेस की थीम दोस्तों मुझे काफी पसंद आ रही है। मैं लिमिटलेस के यहाँ पर सेट कर देता हूँ, बाकी आपकी जो पसंद आप लोग उसे सेट कर सकते हैं। सेटिंग में लगाकर दोस्तों माई डिवाइस में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है MIUI वर्सन हमें
इसे मैं नो कर देता हूँ दोस्तों, आप लोग भी नो करना वरना आपकी फोन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी और अपडेट होने के बाद आप लोग MIUI 10 में स्विच कर जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, तो मैं यहाँ पर सब कुछ डिसेबल कर देता हूँ, डाटा को भी मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, वरना हमारी फोन ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, पहली लुक हमें MIUI 11 की अपडेट पेज कुछ इस तरह देखने को मिलती है, काफी एनिमेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों मैं ऑल स्पेक्स में दिखा देता हूँ, तो हमें यहाँ पर Redmi K20 Pro MIUI Mix 11 9.9.9 बीटा देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने Redmi K20 Pro में MIUI की 11 रोम को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों हम लोगों को Android 10 की सपोर्ट देखने को मिलती है, देख सकते हैं यहाँ पर Android हमें 10 देखने को मिल जाती है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर गेम भी प्ले कर सकते हैं, तो गेम प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा खेल लेते हैं इस वन के संग में। ऐसे खेलने के बाद हम लोग यहाँ पर इसे क्यू कर देंगे, और क्यू करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। Android सिक्योरिटी पैच हमें सितंबर की देखने को मिल जाती है।